यानी घाट पर लोक आस्था के महापर्व को लेकर गंगा तट पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। श्रद्धालुओं का सड़क और रेल मार्ग से मनिहारी आने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु सुबह से ही मनिहारी के मुख्य लंच घाट में गंगा स्नान करते देखे जा रहे हैं। मनिहारी प्रशासन द्वारा गंगा तट पर बैरिकेटिंग और अस्थायी वस्त्र परिवर्तन, गृह चल शौचालय, मोटर रबर बोर्ड, मोटर चालित नाव और गोताखोर को सुरक्षा के लिए तैनात रखा गया है। साथ ही घाट परिसर में कृत्रिम रोशनी का भी प्रबंध किया गया। घाट पर एक प्रशासनिक शिविर लगाया गया है जिसमें एक ध्वनि विस्तारक यंत्र से लगातार गंगा घाट से संबंधित सभी तरह की सूचना का प्रसारण किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्राथमिक उपचार कर घाट पर खड़े एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था भी की गई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए 29 अक्टूबर को खरना और कल से ही महापर्व छठ का आगाज हो रहा है। नहाई खाई से इसकी शुरुआत होगी और जगह जगह व्यवस्थाएं की जा रही है। देखिए क्या है कि कई जगह गंगा नदी की बात की जाए और कई जगह ऐसे घाट हैं जहां पर दलदल भी है और इसको देखते हुए प्रशासन पहले से ही जहां पर दलदल है उसे कहा जा रहा है कि यहां पर पूजा नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें पहले से ऐसी व्यवस्था कराई जा रही है जहाँ पर लोग सुरक्षित तरीके से अर्घ दे पाए। आज जो है तो ये छठ पर्व का स्नान है, ये अभी 2-3 दिन तक लगातार ऐसा ही भीड़ रहेगा। लाखों 2 लाख आदमी रोज आया जा आवागमन होता रहता है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए वाकई महापर्व और इस महापर्व के लिए लोग सालों से इंतजार करते हैं। लोग घर पहुंच रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन में तो आप देख ही रहे कितनी ज़्यादा भीड़ है, इसे लेकर अलग तौर पर सियासत भी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि लोग की सबसे पहली प्राथमिकता है कि वो घर पहुंचे। हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के साथ वो छठ का महापर्व मनाए। पटना के दीघा घाट से रितेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और पटना के जीपो गोलंबर से प्रीतम भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, महापर्व का आगाज कल से हो जाएगा, हालांकि तैयारियां तो आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से ही चल रहा है। आप वहां मौजूद है तो वाकई ये जो कहते हैं ना कि हवा ही और आसपास वातावरण में ही ऐसा लगता है कि कितनी सकारात्मक एनर्जी आ जाती है। अब बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने, देखिए कि कल से नहाए खाए के साथ छठ महाव्रत जो है वो शुरू होगा। लेकिन देखिए कि दीघा घाट पर हम मौजूद हैं और लोग अभी से ही छठ के रंग में रंग चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, गंगा जल भर रहे हैं, क्योंकि देखिए कि कल पहले गंगा जल से घर को धोया जाएगा, बर्तनों को धोया जाएगा और उसके बाद फिर नहाए खाए के बाद ये छठ महापर्व जो है वो शुरू होगा। लेकिन प्रशासनिक इंतजाम की बात करें तो प्रशासनिक इंतजाम भी अब लगभग पूरे होने की स्थिति में है। बैरिकेडिंग लगाई गई है, वॉच टावर लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर कई जगह लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं और सभी जगहों पर अब सीसीटीवी कैमरे लगाने का वर्क जो है वो पूरा किया जा रहा है ताकि जो भी व्रती आए उन्हें किसी प्रकार की परेशानी कोई कष्ट ना हो। क्योंकि प्रशासन को भी पता है, सरकार को भी पता है कि इस बार कोरोना से हालात बिल्कुल सामान्य है, लिहाजा बड़ी तादाद में लोग छठ घाटों पर जुटेंगे, लिहाजा उसी तरह से व्यवस्था जो है वो की जा रही है। कल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ घाटों का मॉनिटरिंग किया, कई आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए, कई सारे अधिकारियों को उन्होंने एक तरह से फटकार भी लगाई कि काम में इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो काम में काफी तेजी आ गई है। इसके अलावा अगर अंजलि देखा जाए तो पटना में कई ऐसे घाट हैं जहां पर दशकों से लोग छठ व्रत करते आए हैं, जैसे कलेक्ट्रेट घाट की बात करें, अंटा घाट की बात करें, महेंद्रू घाट की बात करें, और इसी लेन में ऐसे कई घाट हैं जहां पर पक्का सीढ़ी रहता है और लोग दशकों से वहां पर छठ व्रत करते आए हैं। लेकिन इस बार गंगा के जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई थी और पानी काफी धीरे नीचे उतरा, इस वजह से वहां पर स्थिति काफी खतरनाक है। तो पटना में 16 ऐसे घाट हैं जो खतरनाक है, जहां पर जाना मुनासिब नहीं है। प्रशासन ने वहां और इसलिए नीतीश देखिए पहले से पूरी व्यवस्था की गई है। तस्वीरें और भी हम देखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। पटना के जीपो गोलंबर से प्रीतम भी हमारे साथ लाइव जुड़े। प्रीतम, वाकई देखिए प्रशासन मुस्तैद है, हर जगह व्यवस्थाएं कराई जा रही है। आप जहां पर मौजूद हैं किस तरह से व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्योंकि कल से महापर्व का आगाज हो रहा है? जी बिल्कुल, कल नहाए खाए के साथ जो है छठ पर्व की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। हम इस वक्त जो जीपीओ गोलंबर है वहां पे खड़े हैं और यहां पे जो छठ की पूजन की जो सामग्री होती है, जो सूप है, दौना है, घड़े है, दिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी।
लेकिन एक बात यह है अंजलि की, पिछली बार की तुलना में पिछले दो साल के मुकाबले जो है इस बार जो है जो चीज़ें जो है जो कीमतें हैं उसके दाम में जो काफ़ी इजाफा हुआ है। जैसे ये जो हमारे पास जो आप ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो हमारे पास जो डलिया है इसकी जो कीमत है अभी लगभग 80-150 रुपये के आसपास है। यानी जो चीज़ें हैं वो उनके जो दाम है जो पूजन सामग्री है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन चूँकि आस्था है, भारत जो है वो आस्था का देश है और ख़ासकर अगर छठ पूजा की बात करें तो यहाँ तो आस्था का एक महान सैलाब जो है, आस्था विश्वास और भरोसे का महासंगम जो है वो छठ घाटों पे उभरता है। लिहाजा जब आस्था किसी चीज़ से जुड़ जाती है तो कीमत जो है वो हावी उस पर नहीं होती है। ये बताइए कि जो आप जो चीज़ें आप बेच रहे हैं जैसे घड़ा है, सूप है, इस सब की कीमत क्या है बताएं बारी बारी से। हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि जैसे ये सूप की कीमत क्या है। 100 रुपये दाम है। बाकी जो बाकी अगर कोई बड़ा सूप है जो सामने है उसकी कीमत क्या है? 200 है। यानी अंजलि जो है जो चीज़ें हैं उसके दाम में इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो डलिया पे जो मालाएं लगाई जाती हैं, जो द्वार होता है, जो प्रवेश द्वार आपके घर में होता है, वहाँ जो जिन चीज़ों सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और जो दर्शक हैं, जो जी बिहार झारखंड के दर्शक हैं, अगर उन्हें चीज़ें एक साथ थोक में लेनी है तो ये जो जीपीओ गोलंबर है उसके लिए तैयार हो चुका है। और यहाँ पे जो है सभी चीज़ें मिल रही है। एक आपको तस्वीर में और दिखाना चाहूँगा। हाँ। देखिए यहाँ पे जो लकड़ी है जिसपे प्रसाद तैयार होता है वो लकड़ी जो है आम की जो लकड़ी है यहाँ तैयार हो गई है। जो छठ व्रती है यहाँ की जो सारी चीजें ले सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए बहुत अच्छी बात है प्रीतम। अगर जो पटना में मौजूद है जीपीओ गोलंबर पहुंच जाइए, एक साथ आपको पूजा की सभी सामग्री मिलेगी। जिस तरह से प्रीतम हमें तस्वीरों में दिखा रहे हैं, देखिए वहां पर चूल्हा भी है, वहां पर सूप भी है, हर सामग्री वहां पर मिल रहा है। तो आप जाइए और खासतौर पर देखिए महाकवरेज हम दिखा रहे हैं, हर वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे घाट से लेकर कहाँ आप पूजा के सामान ले सकते हैं और किस तरह से छठ पूजा को बहुत ही अच्छे से आप मना सकते हैं। हाजीपुर के कौनहारा घाट से विकास भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं कराई जा रही है? क्योंकि देखिए साफ सफाई भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है इस त्योहार को। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अंजलि की देखिए किस तरीके से यहां पर साफ सफाई और तमाम जो दलदली भूमि है उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कल के बाद से जो है पूरा भीड़ जो है यहाँ पर जुटने वाला है, क्योंकि ऐतिहासिक कौनहारा घाट है, यहाँ गंगा गंडक दोनों का संगम है, इसलिए भी यहाँ काफी बाहर बाहर से लोग आते हैं। बिहार के अलग अलग कोने से यहाँ पर लोग आते हैं छठ पूजा करने के लिए, क्योंकि कल नहा खाए है और कल से ये पर्व शुरू हो जाएगा। और बीते कल जो है सूर्य ग्रहण था उसको लेकर के भी लोग गंगा स्नान करने के लिए काफी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हैं और यहाँ से आज गंगा जल लेकर जाएंगे, घरों को धोएंगे और उसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। मैं आपका दोस्त, क्योंकि इस बार गंडक नदी में काफी अधिक पानी हो गया था जिसके कारण काफी तमाम जो यहाँ 16 से 17 घाट है, यहाँ कौनहारा घाट से लेकर बालादास घाट है, तमाम घाटों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। और क्योंकि यहाँ काफी भीड़ जुटती है इसलिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसके अनुसार जो टावर है वो बनवाए जा रहे हैं ताकि ऊपर से सीसीटीवी कैमरे से और जो पुलिस कर्मी हो उनकी नजर बनी रहे कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही है। मैं बता दूं कि कल से यह पूरा पर्व जो है वो शुरू हो जाएगा। कल नहाए खाए है, कल सुबह से लेकर लगभग 9-10 बजे तक निश्चित तौर पर काफी संख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे, अपने स्नान धान करेंगे और जल लेकर पूजा के लिए जाएंगे। और आज जो जल लेकर जा रहे हैं उसके घरों को धोया जाएगा और फिर खरना और फिर शाम संध्या अर्घ जो होता है वो और फिर सुबह के अर्घ के साथ ये समाप्त होगा। लेकिन ये 4 दिनों का जो पूरा माहौल है वो पूरा पूरी तरीके से भक्तिमय होगा और इसको बनाने में विकास बिल्कुल भक्तिमय माहौल रहता है। और कल नहाए खाए है और घाटों पर लोग पहुंचते हैं, देखिए नहाने के बाद ही पूजा का जो भी आप देखते हैं प्रसाद बनाया जाता है। बहुत ही आस्था का ये महापर्व है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया रितेश, आपका भी शुक्रिया प्रीतम, आपका भी शुक्रिया। तो महापर्व की बात की जाए तो पूरी तैयारी हो चुकी है और आपको बता दें कि हर वो तस्वीर सबसे पहले जी बिहार झारखंड पर हम आपको दिखाएंगे, महाकवरेज दिखाएंगे। तो महापर्व छठ पर दूसरे प्रदेशों से भी लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी तादाद में लोग बिहार आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें सर्दी खांसी और बुखार की शिकायत वाले यात्रियों की जाँच विभिन्न रेलवे स्टेशन पर की जा रही है। हालांकि पटना जंक्शन पर भी स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई नजर आई। महापर्व छठ पर बड़ी तादाद में लोग दूसरे प्रदेशों से बिहार आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो उसका दावा है कि वो चौकस है
और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट पर रहने का भी दावा किया है कि जो भी लोग बाहरी प्रदेशों से आ रहे हैं और अगर थोड़ी सी भी उन्हें नासाजी है, यानी अगर उन्हें फीवर है, सर्दी बुखार, खांसी है, गले में खराश है, तो उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पर यानी पटना जंक्शन और अन्य स्टेशन्स पर की जाएगी, ताकि जो भी लोग आएँ उनका फौरन कोरोना जांच किया जा सके और अगर उन्हें कोरोना निकलता है तो फिर उन्हें हिदायत दी जा सके या फिर उनके लिए कुछ अलर्ट दिया जा सके। लेकिन देखिए कि स्वास्थ्य विभाग के जो सिविल सर्जन हैं, पटना सिविल सर्जन ने ये आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन देखिए हम पटना जंक्शन पर ही मौजूद हैं, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ भी आपको कोई भी स्वास्थ्यकर्मी कोरोना किट के साथ नहीं दिखेगा और एग्जिट पॉइंट्स यहाँ पर पटना जंक्शन पर बहुत सारे हैं और ये मेन एग्जिट पॉइंट है, यहाँ भी अब तक हमें स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मी नहीं दिखा। अब सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य महकमा हो या कोई भी सरकारी विभाग, जिस तरह से पर्व त्यौहार आते हैं और पेपर्स में उनकी बातें जिस तरह से छपती हैं और दावा किया जाता है, लोगों को यही लगता है, जो बड़े अधिकारी हैं उनको यही लगता है कि सारे लोग चौकस हैं और सतर्क हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड ज़ीरो पर आएंगे तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको पेपर में ही दिखती हैं और जो दावे किए जाते हैं वो दावे सिर्फ कागजी साबित होते हैं। ये देखिए, ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ कोई भी स्वास्थ्यकर्मी अभी तक हमें नहीं दिखा और हज़ारों जो यात्री हैं वो चले गए हैं, कई सारे लोग बीमार भी दिखे, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर नहीं दिखी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो दावे सरकारी महकमे की तरफ से किए जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई है या फिर नहीं है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। भागलपुर में आज मां काली की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है, इसको लेकर जगह जगह बड़ी संख्या में पुलिस